हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग फॉर बीबीए बीटेक लेटरल एंट्री एंड बी फार्मा स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है सितंबर 4 से। सिंपली आपको MMUT की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है बाई पेइंग 2500, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है। और उसके बाद आपको विलिंगनेस सबमिशन एंड कंसेंट फॉर स्पॉट काउंसलिंग, मतलब ये कि अगर आपने नॉर्मल राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सितंबर 6 से सितंबर 12 तक के बीच में आपको अपने वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से सिंपली आपको अपने पोर्टल पे यस कर देना है, यानी कि आप भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वहां से अपने पोर्टल पे आपको जाके यस कर देना है। बात करें लास्ट डे ऑफ काउंसलिंग फ़ी पेमेंट चॉइस लॉकिंग एंड चॉइस फिलिंग की, तो सितंबर 12:11 AM तक है। और नेक्स्ट इंटरनल थ्राइडिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डिपॉजिटेड यूनिवर्सिटी फ़ी एंड फिजिकली रिपोर्टेड ऑन सितंबर 6, 2024 हैविंग फ्लोट ऑप्शन। जो स्टूडेंट्स को पहले ही ब्रांच BBA और BBA या बी फार्मा जो भी अलॉट हुआ था, अगर जो वो अपना इंटरनल स्लाइडिंग पे डाले होंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को BBA मिला होगा और उन्हें बी फार्मा चाहिए होगा, तो उनकी इंटरनल स्लाइडिंग 10 सितंबर को हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करें तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट फॉर स्पॉट राउंड, 10 सितंबर को आपको जितनी भी सीटें वैकेंट है वो देखने को मिल जाएंगी। और नेक्स्ट बात करें फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर स्पॉट राउंड एट MMUT गोरखपुर, तो थर्सडे 12 सितंबर को होगा। आपको 10 AM पे MMUT के कैंपस में पहुंचना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और बात करें फ़ी पेमेंट आपको कैसे करनी होगी, तो उसके लिए आपको DD बनवाना होगा। टोटल फीस का आपको DD बनवाना होगा। एक और नोटिस आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको पूरी डिटेल दी होगी कि आपको कैसे फ़ी पेमेंट करनी है। DD बनवाना होगा आपको, जितनी भी टोटल फीस है उसकी, और वो आपको लेके आने होंगे MMUT कैंपस में। और नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पॉट राउंड में कैटेगरी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाली है, ऐसे जनरल कैंडिडेट सभी को ट्रीट किया जाएगा। और नेक्स्ट बात करें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा और कलर साइज 6 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और CUT स्कोर कार्ड, पेरेंट डोमिसाइल इफ़ अदर स्टेट से आप हैं, यूनिवर्सिटी रिमेनिंग फ़ीस आपको नहीं, आपको डीडी के साथ आना होगा टोटल फ़ीस के साथ। अगर आपके पास डीडी नहीं है तो तुरंत आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको डीडी के साथ ही देनी, डीडी के साथ ही आनी होगी। अगर जो आपके पास डीडी नहीं है तो किसी और स्टूडेंट को सीट अलॉट कर दी जाएगी, तुरंत आपको सीट, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।